सलाम नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैंने आपसे कहा था कि हम बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट शख्स से मिलवाएंगे, तो हम भोपाल से सिर्फ एक स्टेशन दूर हैं। ये हबीबगंज स्टेशन है जो भोपाल में ही कहलाता है बेसिकली, तो वहाँ पे हम पहुँच गए। और उसके बाद हम जो नेक्स्ट स्टॉप है 5-10 मिनट में हार्डली वो भोपाल है, और वहाँ पे हम मिलेंगे शकील भाई से। ट्रेन जो है वो यहाँ से चल दी है और अभी हम चलेंगे भोपाल स्टेशन की तरफ। तो भोपाल स्टेशन की तरफ यहाँ से जाते हैं तो बहुत सारी वे आपको दिखते हैं जो मुझे बेसिकली बहुत नॉस्टैल्जिक फील कराते हैं। वही गलियाँ, वही सड़कें, वही एक पुल होता है, ब्रिज आता है, वो सारी चीज़ें। तो अगर पॉसिबल होता तो मैं आपको दिखाता हूँ। और ये है वो भोपाल की गलियाँ जहाँ मैं बहुत बाइक लेके निकला करता था। आया है, सारी पुरानी यादें जो हैं वो ताज़ा हो गई, मज़ा आ गया। जैसे बोलते हैं बोगता पुल, यहाँ से नीचे उतरो 800 मीटर मेरा घर। ये गली से हम जाते थे टूवर्ड्स, अगर बस स्टैंड निकलना है, रेलवे स्टेशन निकलना है, ये गली भारत ऑफिस की तरफ। ये गली तुम्हारी कुछ ज़्यादा ही आते हैं ना भोपाल से। हम लोग क्या ना उस टाइम हम घर से कम निकलते थे और इसमें बहुत घूमे भाई। वही मैं कितको बोला, कैसे ऐसी सर्दियों में रात में बाइक में घूमा करता था मैं। पढ़ने दोस्त के पढ़ने के बहाने जाके हम लोग को बेवकूफ बना के घूमते थे। सीरियसली भाई, उसको साथ हम लोग को लगता था पढ़ने ही गए हो। आ गया भोपाल स्टेशन। नॉस्टैल्जिक कितना घूमे हो गया स्टेशन पे ना। हर 3 महीने में आई थी, हर 3 महीने में ट्रेन पकड़ो पौधा, ट्रेन पकड़ो पौधा। हेलो। तो मैं आपको ये बोल रहा था कि शकील भाई यूनिवर्सल जिम भोपाल में, यहाँ पे इनके साथ में जिम किया करता था। और आज मैं जिस जहाँ भी हूँ, ऑब्वियसली बातें देने वाला अल्लाह है, लेकिन ये भी एक जरिया है। क्योंकि अगर ये नहीं बोलते बेटा मेरी इज्जत रखने के लिए चले जा फोटो लेके ऑडिशन देते, आज मैं यहाँ पे नहीं होता। तो ये एक बिल्कुल बड़े भाई की तरह प्यार, जब भी मैं लाइफ में कभी भी किसी ऐसी सिचुएशन में पड़ता हूँ जहाँ मुझे कुछ भी ना कि होता है कि समझ में नहीं आ रहा क्या डिसीजन लूँ, क्या फैसला करूँ, उसी दिन को फोन करता हूँ और ये मुझे हर चीज़ सॉल्व करके दे देते हैं। और ये है उनका बच्चा जी। और ये है इनके शाहबजादे, है ना बोल दो। और फिर खूब जम के बातें की मिलके हम सब ने, जब मिल बैठे हम दो यार, मैं और शकील भाई, भोपाल की बातें। और ये शकील भाई के शाहबजादे का बहुत ही क्यूट सा मोमेंट अंकित ने कैप्चर किया, कैमरे से छुप रहा था लेकिन कैप्चर कर लिया। मिल लिया शकील भाई से। हीटर चालू किया शायद। हाँ यो राजू फरीद की चाय है भोपाल में, कमाल एपिक चाय है। जोर से बोल दो। मैंने बोला ना कि राजू फरीद भाई की चाय है ये, राजू टी स्टॉल फरीद भाई की चाय। माइंड ब्लोइंग, मतलब कितने सालों के बाद ये चाय पी रहा हूँ। और फिर टाइम हो गया था डेकोरेशन करने का, 11:30 से ऊपर हो चुका था। फिर हमने शुरू किया सिलसिला बर्थडे गर्ल को पैम्पर करने का, प्रिंसेस को पैम्पर करने का। अम्मी पापा नहीं थे, मिस कर रहे थे, रिजरा नहीं थे, मिस कर रहे थे, बट कोई नहीं,
हम मिलके एंजॉय करेंगे। घर का केक छोटा सा बना हुआ, वो भी कट किया और बस मजे ही मजे किए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सबा, हैप्पी बर्थडे टू यू, ये अच्छा बना। ये क्या है? अच्छा ये भी चेयर अप कर रहा सबा को। ये क्या है? इसमें छेद हो गया है। अरे जल्दी बूमरैंग ले, वो पिचक जाएगा। ये बूमरैंग ले रही है। और फिर मैं बहुत थक गया और मैं चला सोने। आज जो हमारे साथ हुआ है ना, पता नहीं, मतलब सच में फिलहाल हम पहुंच गए हैं कानपुर सेंट्रल। तो हम लोग पहुंच गए हैं कानपुर सेंट्रल। ठंड अच्छी खासी है, लेकिन आज जो हम लोग का स्कैम हुआ है ना अंकित, 6:50 का टाइम बोल के 6:05 में पहुंच गई है। हम तो मत बड़े खर्राटे रहे सब लोग, बट फाइनली हम लोग इतफाक से हम लोग उठ गए। नौ प्लेटफॉर्म, नौ अप्रैल में भी टोपा लगा, मार्च अप्रैल में। चले भाई अंकित, चलो। घबराहट की वजह से छोड़ के चले जा रहे थे। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुंच गए हैं कानपुर सेंट्रल। क्या बोल रहा हूँ मैं, सर्दी की वजह से हो रहा है ना कि बहुत वक्त के बाद ऐसी सर्दी हम लोग फील कर रहे हैं। 6 डिग्री है, कितना 6 डिग्री है, मुंह से पूरा धुआं निकल रहा है। अच्छा हुआ पापा नहीं आए, अब हम निकलेंगे मौदहा की तरफ। ये आ गए हैं प्रतीक भाई। गुड मॉर्निंग। क्या इतना जल्दी जल्दी आ जाते हो ट्रेन लेके? ये लो कानपुर वाली चाय। तो अभी हमारी सवारी निकल चुकी है मौदहा के लिए और ये है राधे भैया हमारे साथ ड्राइव कर रहे हैं कार। चलो चलते हैं। तो हम पहुंचे हैं अभी यहाँ पे। हम जब भी मौदहा आते हैं तो हम लोग यहाँ पे रुकते हैं खाने के लिए, कुछ भी नाश्ता वास्ता करने के लिए, चाय पीने के लिए। तो अभी वहाँ पे रुके हुए हैं। क्या काम है भाई तुम? तो दर दिन बने बढ़ाया जा रहा है। चाय सिर्फ चाय, कुछ खाओगे नहीं? क्यों क्या लोग खाओगे? अभी भाई आलू पराठा बोलो, क्या मिलेगा? पनीर का पराठा, प्याज का पराठा, आलू का पराठा, पनीर पराठा मिलते हैं, और एक प्याज पराठा। पनीर पराठा दो, एक तीन, दो पनीर पराठा, एक प्याज पराठा, एक पनीर पराठा, मतलब तीन पनीर पराठा। चालू पनीर पराठा, पनीर पराठा, पराठा, प्याज पराठा, प्याज, प्याज। तो तीन पनीर है अभी, एक दो प्याज हो गए, ठीक है। आमिर बोलो, दो आलू, एक कितने? एक या दो? एक। तीन पनीर हो गए, दो प्याज हो गए। एक पनीर, एक एक प्याज, लेकिन पनीर, हाँ हाँ, एक पनीर, दो सिर्फ प्याज, ठीक है, एक दो आलू प्याज। मैं मेरा एक पनीर लिख लो भाई, लिख लो, लिख लो, हाँ जी लिख लो, लिख लो। पिछले 15 मिनट से यहाँ पे पराठे की डिस्कशन हो रही है। एक मिनट, अभी हाथ ऊपर करो, सिर्फ प्याज किस किस को? बस अच्छा, तो दो सिर्फ प्याज। पनीर किस किस को? दो पनीर, ठीक है। आप क्या ले रहे हो? अच्छा आलू, सिर्फ आलू,
उसको भी आलू। अच्छा मुझे लगा तुझे नहीं, उनको उनको आलू प्याज चाहिए, उनको आलू प्याज चाहिए उनका। अरे आएगा ना दो सिर्फ आलू, ठीक है? तो दो आलू, दो सिर्फ आलू, दो सिर्फ प्याज, दो सिर्फ पनीर। अभी एक दो तीन लोगों के लिए आलू प्याज मिक्स, ठीक है? याद है संतोष भाई? सुबह सुबह फोटोशूट चल रहा है कोरे में। बर्थडे कैसे फोटो चाहिए? तो ये रहा हमारा नाश्ता, पराठे, ये क्या है? चने, छोले, चने और चाय। हमको मेन चाय से। ये रही चाय, लो भाई चाय लेते जाओ। नाश्ता डन, पेट पूजा डन, चाय पी ली, अब हम निकलेंगे घर की तरफ। तो हम पहुंच गए हैं मौदहा और बेटी खाला के घर पे। यहाँ पे मेरे एक बेटी खाला है। हम सब पहुंच गए हैं, तो बेसिकली हम लोग इस बार यहाँ आ रहे थे। मैंने आपको बताया कि ये पिछले वाले वीडियो में कि कुछ काम भी थे, तो ये है। और अभी हम यहाँ से कुछ देर में थोड़ा जो काम करने हैं तो हम उसको निकलेंगे, नानी के घर, अम्मा के घर, दादी के घर जाना है, तो वहाँ पे लोगों से मिलना है, तो आप सबको मिल पाते हैं। फिलहाल हम यहाँ की चाय पी रहे हैं, अभी बेटी खाला के हाथ की घर की। अभी ठंड थोड़ी कम है, सुबह तो बहुत ज़्यादा थी, अभी थोड़ी कम है। ये देखो ये जनाब मस्त ऐसे बैठे हैं। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, मिलेंगे जल्दी एक नए वीडियो के साथ। अब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपना ख्याल रखिए, जो मर्जी आए वो करिए, लेकिन सही चीज़ गलत चीज़ नहीं। पेरेंट्स को प्यार कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनके साथ वक्त बिताइए। मिलेंगे जल्दी नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।